लर्निंग थ्योरी में देखिए कि जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जब वो सीखते हैं उनको कुछ चीज़ें सीखने से पहले भी, उनको कई चीज़ों का पहले भी ज्ञान होता है। यानी कि अब आप जैसे 2019 के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने 2018 में भी पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है ना। ठीक है, आपको पेपर वन के लिए ज्ञान तो है थोड़ा सा, अब आप पढ़ोगे आपका और अच्छे से हो जाएगा। यानी कि लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि अगर शिक्षा अगर किसी को लर्निंग थ्योरी में सफलता हासिल करनी है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो आपको पूर्व ज्ञान भी होना चाहिए या पूर्व ज्ञान भी होता है। हम देखते हैं ना, किसी ने GRF निकाल दिया, हम देखते हैं कि उसने कितनी बार में डाला, 2 बार में, 3 बार में, है ना, या पहली बार में। हम देखते हैं उसने कितनी मेहनत की है। कई बच्चे तो चार चार बार करके, जिनका फोर्थ अटैम्प, सिक्स अटैम्प, फिफ्थ अटैम्प होके उनका यूजीसी नेट होता है, तो वो क्या हो गया, वो उन्होंने उनको पूर्व ज्ञान हो गया ना। यानी कि 4 बार उन्होंने पेपर जब डाला, उनको कुछ नहीं आया, उनका रह गया, 5वीं बार उनका पेपर क्लियर हो गया। यानी कि जो 4 बार उन्होंने मेहनत की थी, वो उनका पूर्व ज्ञान हो गया, है ना। तो ये किस में काम आए गए, लर्निंग थ्योरीज में। अब देखते हैं कि लर्निंग थ्योरी में होता क्या है, ये कौन सी टाइप्स हैं इसकी। पहली है बिहेवियरिज्म, जिसे कहते हैं व्यवहारवाद। दिस थ्योरी कंसीडर लर्निंग एज ए मैटर ऑफ, देखिए फ्रेंड्स, बिहेवियरिज्म पहले थ्योरी आई थी, क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे मैंने मेंशन की है, क्लासिकल थ्योरी आई थी, वो दी थी प्लेटो ने। उसमें क्लासिकल था, सीखने का पुराने पुराने सिद्धांत दिए और कुछ नहीं है। उसके बाद आया था बिहेवियरिज्म थ्योरी, व्यवहारवाद के ऊपर, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो किस व्यवहार से सीख रहे हैं। देखिए, दिस थ्योरी कंसीडर्ड लर्निंग एज ए मैटर ऑफ कंडीशनिंग एंड अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट। यानी कि इस सिद्धांत को सीखने के लिए पर्यावरण जो है वो अनुकूल होना चाहिए। यानी कि अगर बिहेवियरिज्म में क्या है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, यानी कि अगर आप कॉलेज, स्कूल में या कहीं पर कोचिंग ले रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो सीख रहे हो उसके लिए क्या होगा, पहले इन्वायरमेंट जो है अनुकूल होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट पॉजिटिव कैसे होता है, कि जैसे आपको टीचर आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो गया, कि शोर शराबा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे हो गया इन्वायरमेंट का पॉजिटिव होना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द लर्नर इज़ व्यू एज ए पैसिव एजेंट, बिकॉज देयर इज़ नो इंटरेस्ट इन मेंटल प्रोसेस एंड ही लर्नर जस्ट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। देखिए, इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सीखने वाले को एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में देखा जाता है। निष्क्रिय एजेंट मतलब कि पैसिव एजेंट, क्योंकि मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह सीखने वाला सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देता है। देखिए, बिहेवियरिज्म का है क्या, व्यवहारवाद में, मैंने आपको हिंदी में इसका अभी बताया कि होता क्या है। इस थ्योरी में सबसे पहले ये होता है कि देखिए कि जो लर्नर है, जो वो कुछ सीख रहा है, जो व्यवहार में कुछ सीख रहा है, उसको मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम आता है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो सोचते हैं कि हम फटाफट एग्ज़ाम को कर लें, किसी तरीके से कर लें, कि ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, तो एग्ज़ाम क्लियर करने तक ही होती है। यानी कि उनकी मानसिक दिलचस्पी नहीं है कि मैं इसको कुछ सीख रहा हूँ, वो उनका बस एक ही टारगेट है, हमें इस पेपर को अचीव करना है ना। तो यानी कि होता क्या है बिहेवियरिज्म में, इसमें जो हमें दिमागी रूप से कोई हमारी मानसिक प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं होती, हमें बस बर्डन होता है कि हम इसको बस कर दें। यानी कि हम देखते हैं कि हमें ये UGC करने के बाद या गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, है ना, तो ये क्या होगी, बाहरी उत्तेजना होगी ना, एक्सटर्नल स्टिमुली होगी ना। तो हम बस इसमें बिहेवियरिज्म में सिंपल सी बात याद देखिए कि इसमें मानसिक प्रक्रियाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होती किसी भी लर्नर की। यानी कि वो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है, उसको ये नहीं होता कि मैं इसको दिमाग में रखूँ, बस यही होता है कि मैं बस पेपर आराम से फटाफट कर लूँ। ठीक है, ये हो गया व्यवहारवाद। तो नेक्स्ट आ गया कंस्ट्रक्टिज्म। देखें, कंस्ट्रक्टिज्म हो गया, देखिए कंस्ट्रक्टिज्म में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिज्म को कहते हैं हिंदी में निर्माणवाद, है ना। देखिए, कंस्ट्रक्टिज्म इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल परस्पेक्टिव दैट इंडिविजुअल फ्रॉम ए कंस्ट्रक्ट मस्ट ऑफ व्हाट दे लर्न एंड अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहली होती है कि कंस्ट्रक्टिज्म है क्या, निर्माणवाद, यानी कि किसी चीज़ को बनाना। अब ये देखिए कि होता क्या है, आपने कोई सब्जेक्ट जो है
कंस्ट्रक्टिव, ये बिल्कुल नई थ्योरी है कंस्ट्रक्टिज्म की। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे नई थ्योरी कौन सी कंस्ट्रक्टिज्म की है। देखिए कंस्ट्रक्ट है किस चीज़ को बनाना है, जैसे हम किसी घर को बनाते हैं पहले प्लॉट के ऊपर करते हैं, ईंटों से ढांचा खड़ा करके सब कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट है बिल्डिंग बन गई। तब होता क्या है कि अगर हम एग्ज़ाम की किसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा चीज़ को। वो होता कैसे है, ये होता है साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, यानी कि साइकोलॉजिकल और ठीक है साइकोलॉजिकल साथ में होता है ये फिलोसफिकल, यानी कि दार्शनिक भी होता है और मानसिक भी होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कोई चीज़ जैसे करनी है हम उसको कैसे पढ़ें और कैसे अंडरस्टैंड करें, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ये हो गया कि हमें कोई चीज़ कैसे पढ़नी है और कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ ए बेसिकली ए थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या कि लोग कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को याद करते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। इट सेज दैट द पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस। देखिए सबसे पहली बात है कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्टिज्म में ये होता है कि लोग जो हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, तो कैसे उसका आंसर देते हैं, ये होता है कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, यानी कि यूजीसी नेट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो। एक तो होता है ना क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं कि हाँ बस पढ़ लिया अगले दिन भूल गया। एक होता है कि इसको समझना, क्योंकि यूजीसी एग्जाम में देखिए सबसे पहले कोई भी एग्जाम ले लो उसमें कॉन्सेप्ट बेस आता है, आपने कॉन्सेप्ट समझोगे आप एग्ज़ाम ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएगा चुट्टी बजा के। तो है कुछ नहीं, कंस्ट्रक्टिज्म है क्या कि लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं अपनी समझ से। जैसे अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखोगे कि आपको कितना समझ में आया, आप उसको कैसे याद रख पाओगे। यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग किस चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रख रहे हैं, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिज्म। सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। तो ये दो तरह का होता है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म। देखिए इसमें कॉग्निटिव मतलब होता है दिमागी, है ना, मानसिक जिसको कहते हैं हम, दिमागी होता है ये, जिसको हिंदी में ज्ञानात्मक कहते हैं। तो इसमें है कुछ नहीं है। देखो रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज नॉट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दस नॉलेज डिवेल्प थ्रू द कॉग्निटिव एक्शन। यानी कि इसमें क्या कहा गया है इसको आप ध्यान से देखिए कि जो आइडिया है, जो नॉलेज है वो दिमाग में, वो पहले से आपके नॉलेज है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का या कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी होगी, आपका उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना होगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है ना। तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिज्म क्या होगा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो चीज़ याद कर रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत उसके पहले बारे में पता है। तो ये थ्योरी दी थी पियाजेट ने। पियाजेट देखिए ये इस बार क्या हुआ है कि जो ये पियाजेट थ्योरी हो गई या जो अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आया था ना, तो वो कौन सा था, वो सी टेट के या टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये फेमस राइटर है। तो अभी हुआ क्या है, जो सिलेबस अपडेट हुआ है ये सी टेट का या जो टेट का एग्ज़ाम की थोड़ी थोड़ा सा पार्ट भी साथ में नेट के साथ जोड़ दिया गया है। तो पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रेलेवेंट टू दिस पर्सपेक्टिव, ही इज इंटरेस्ट इन द वे पीपल नो थिंग्स फ्रॉम द इन्फेंसी टू एडल्टहुड, देयरफॉर हिज थ्योरी इज मोर कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट सजेस्ट दैट वी कम टू नो थिंग्स एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अवर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वी मेक सेंस ऑफ दोज एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ अवर लाइफ्स। देखिए पियाजेट थ्योरी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी है, इसने क्या क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए कि पियाजेट थ्योरी है क्या। तो इसमें देखिए कि पियाजेट ने जो कहा है इस थ्योरी में, ठीक है, इसमें कहा है कि हम बचपन से लेके अपने जवानी तक सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, है ना। तो हम सीखते जाते हैं, तो वो क्या होगा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो गया ना। आप देखिए कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है, फिर करते करते उसने हाई स्कूल पास किया, फिर वो कॉलेज गया, फिर वहाँ पर उसने PhD तक पहुँच गया। तो क्या होगा, ये आप देखिए लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना। ये पियाजेट ने कहा है, जीन पियाजेट नाम है इसका पूरा, इसने कहा है कि हम बचपन से लेके ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इट्स जस्ट वी कम टू नो थिंग्स एज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ
आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, बट वी मेक सेंस ऑफ दोज एक्सपीरियंस एट डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर लाइफ। यानी कि हम जिंदगी हर पड़ाव में सब कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता रहता है कि हमने क्या सीखा, उसका क्या परिणाम निकलेगा। तो सोशल कंस्ट्रक्टिज्म रेफर टू द आइडिया दैट नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर एनवायरमेंट। यानी कि इसका मतलब है कि ज्ञान और ज्ञान व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत से लिया गया है। यानी कि विचार कहाँ से लिए गए, व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच में से। यानी कि किसी को अगर कोई नॉलेज है तो उसको नॉलेज कैसे है, तो उसका होता है ना वो, अगर किसी को व्यक्ति को कोई ज्ञान है तो उसका माहौल कैसा है, वो कैसे कहाँ से सीख रहा है। अगर बहुत अच्छा माहौल होगा, पढ़ने लिखने वाली फैमिली होगी, ग्रुप पढ़ने वाला होगा, तो बच्चे की नॉलेज हाई होगी। अनपढ़ होगा तो उसको कुछ भी नहीं आएगा, है ना। वर्किंग ऑफ द माइंड बट नॉलेज रिफ्लेक्ट द आउटकम्स ऑफ मेंटल कॉन्ट्राडिक्शन द रिजल्ट फ्रॉम वंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कि निर्वाण केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें ना कि हमें जो नॉलेज है वो सिर्फ हमें बाहर से ही प्राप्त होती है, ये नहीं है, ठीक है। ज्ञान मानसिक अंतर्विरोध के परिणामों को दर्शाता है जो किसी के आंतरिक बाहरी कारकों से उत्पन्न होता है। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, इसमें कहा गया है कि किसी बंदे का किसी चीज़ का अगर कोई माहौल है तो उसको वो सिखाता है। अगर माहौल अच्छा है तो उसको अच्छी बातें सिखाएगा, अगर नहीं है तो नहीं सिखाएगा। तो सिंपल सी बात है कि किसी की हाई नॉलेज है तो उसका ग्रुप भी या फैमिली में सभी हाई नॉलेज वाले होंगे, वो सीखता है उनसे, है ना। तो कहते हैं कि वो तो बात ठीक है, पर ये नहीं है कि केवल हम बाहरी दुनिया से सीखते हैं। यह बाहरी दुनिया कैसे, आपने स्कूल में ये सब सीख लिया, अब जब बाहर जाते हो किसी से, आप देखो कि अलग अलग जनों का, बंदों का अलग अलग बिहेवियर है ना, तो आपको सीखते ना कि दुनिया ऐसी है, दुनिया में स्वार्थी लोग भी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आप देखते हो ना वो। तो कहते हैं कि ये सिर्फ ये ही नहीं है कि बाहरी दुनिया से ही है, इसमें ये होता है कि आपके अंदर जो मन में विचार जो चल रहा है आप उससे भी सीखते हो। यानी कि आपने, आपको किसी ने बात कोई समझा दी, यानी कि मैं आपको, देखिए सिंपल सी बात, मैं आपको कोई समझाऊं कि अगर आप हमारी वीडियो देख लो या आप अच्छे से कर लो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, मैंने आपको बात समझा दी, आपके पास वो समझ में आ गई, अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप 8-10 बुक्स और पढ़ोगे, ये पढ़ोगे। आपने क्या किया, मेरी बात भी सुनी, अपना भी किया, है ना। तो वो अंतर विरोध हो गया ना उसमें, इसमें क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर भी हो गया तो एक्सटर्नल फैक्टर भी साथ में हो गया, तो उसे बनता है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, यानी कि मानववाद। देखिए द ह्यूमनिस्ट फोकस इफ द लर्नर हिमसेल्फ, मानववादी, देखिए मानवतावाद जिसको कहते हैं हिंदी में, ये कहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि शिक्षार्थी स्वयं सीखे। यानी कि इसमें क्या होता है कि इंसान को या शिक्षार्थी को या लर्नर को खुद सीखना पड़ता है। दे गिव मच इंपॉर्टेंट एंड कंसिडरेशन टू हिज इमोशनल एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट एज वेल एज हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि जो लर्नर है उसके भावनात्मक और प्रभावी विकास के साथ साथ उसकी संज्ञात्मक प्रक्रिया को भी बहुत महत्वपूर्ण विचार देते हैं। मानववाद में क्या होता है कि अगर कोई लर्नर जो कोई सीख रहा है वो ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसमें उसका भावनात्मक रूप से भी, यानी कि उसका देखिए इमोशनल यानी कि भावनात्मक का भी प्रभावी रूप से प्रभाव पड़ेगा, साथ में उसका भावनात्मक विकास भी होगा, साथ में संज्ञात्मक विकास भी होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि ह्यूमनिज्म में है क्या, मानवनिज्म है क्या, इससे क्या होता है लर्नर में इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है, उसमें उसका विकास होता है। दिस न्यू थ्योरी अपेयर्ड इन द 1980 एंड इट्स प्रोपोनेंट्स वर अगेंस्ट द पैसिव कन्फर्मिटी ऑफ द स्कूल्स। दे वर मोर इनकरेजिंग टीचर टू पुश एंड एडवोकेट स्टूडेंट टू स्टेट देयर ओन लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू चूज द टेक्स्ट एंड एक्टिविटीज विच कॉल फॉर देयर इंटरेस्ट। यही देखिए कि ये नया सिद्धांत था, ये कब आया था, 1980 में, है ना। तो इसमें होता क्या है, वे शिक्षकों को अपने स्वयं के सीखने के उद्देश्यों को बताने के लिए और पाठ गतिविधियों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके हितों के लिए होता है। देखिए सिंपल सी बात है, 1980 में थ्योरी आई थी मानववाद की, तो इसमें होता क्या है कि इसमें इनकरेज किया जाता था टीचरों, टीचर क्या करते थे, इसमें इनकरेज करते थे लर्नर को, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, अगर बच्चों ने कोई सीखना है उनको लक्ष्य से, वो क्या करते हैं, उनको एक्टिविटी देते थे। सिंपल सी बात है कि देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्या है ह्यूमनिज्म, क्या है कि अगर ह्यूमनिज्म में कोई बच्चा कोई सीखता है उसका क्या होगा, उसका इमोशनल एंड कॉग्निटिव यानी कि भावनात्मक और ज्ञानात्मक विकास होगा,
है ना। ये थ्योरी 1980 में आई थी। पहले क्या होता था, पहले पढ़ना 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 यही होता है स्कूलों में। बाद में क्या किया, टीचरों को ये कहा गया, शिक्षकों को ये कहा गया, आप किसी को जैसे कोई चीज़ करवा रहे हो, आपका ये लक्ष्य है कि आपके द्वारा बच्चे सीखें। तब उनको टीचर क्या करते थे, उनको एक्टिविटी देते जो बच्चों को अच्छी लगती थी, है ना, ताकि बच्चे सीखते रहें। देखिए मान के चलिए कि अगर आप कोई बुक को पढ़ते हो, जैसे आपने किसी हिस्ट्री की बुक का कुछ पढ़ लिया, है ना, आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। अगर वही सेम चैप्टर की अगर कोई मूवी बन जाए, है ना, जैसे झांसी की रानी का आपने पढ़ा, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ लिया, अब जब आप मूवी देखोगे आपको और अच्छे से हो गया, तो वो क्या हो गया, वो अच्छे से हो गया ना, है ना। तो यही बात है बस, यानी कि टीचर क्या करते हैं, एक्टिविटी देते हैं, किसी को किसी में पार्टिसिपेट करवा दिया, या बच्चों को घर से क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, उससे क्या होगा, वो बच्चा सीखेगा, लर्नर सीखेगा, उसे कहते हैं ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट है हाई ऑर्डर थिंकिंग। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी, हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब ब्लूम टैक्सोनॉमी। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी का, इसका क्योंकि मैं आपको अलग चैप्टर बनाऊंगा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इस बार एक क्वेश्चन भी आया था ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो फ्रेंड्स ये है कुछ नहीं है, ये आपको मैंने पहले बताया था ना कि जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें से सारे राइटर है उसमें से ही ये डाला है, यानी कि इस बार नेट के एग्ज़ाम में टेट का भी आपको मिक्स कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं, हम इसके ऊपर सब कुछ अपने चैनल पर दिखाएंगे। देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या है। देखें सबसे पहली बात है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग है क्या, उच्च क्रम की सोच। तो इसे किसने दिया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। देखिए द स्किल इन्वॉल्विंग एनालाइजिंग इवेल्यूएशन एंड सिंथेसिस आर थॉट टू बी हायर ऑर्डर रिक्वायरिंग डिफरेंट लर्निंग एंड टीचिंग मेथड देन द लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड कंसेप्ट। इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए कि जो इसमें बताया गया है ब्लूम ने, इसमें इसने टीचर को तरीके बताए हैं पढ़ाने के लिए और लर्नर को बताए हैं पढ़ने के लिए। इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग बताई हुई है इनकी, कैसे कैसे सीखा जा सकता है ना, कैसे अपन, देखिए इसमें बताया गया कि हम न्यू नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। इसमें ये बताया गया कि हम किस चीज़ को कैसे सीखते हैं, कैसे नई चीज को, कैसे नई नॉलेज को, कैसे नए ज्ञान को हम सीखते हैं, है ना। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग नोज एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग। इट इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जजमेंट स्किल सच एज क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी ने सबके क्लियर किया है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसको समझते हैं, समझने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हम जजमेंट करके देखते हैं कि कोई चीज़ में क्या कमी है, किस चीज़ को, कैसे समस्या को हल करना है। ठीक है, आपको इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि आगे मैं इसका अलग से लेक्चर बताऊंगा, उसमें हम विस्तार से करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें इसने बताया गया है, देखिए पहले एनालाइज, एवेल्यूएट, फिक्रिएट, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। इनकी चीज़ों को पहले कैसे पढ़ा जाता है, फिर उसका मूल्यांकन, फिर उसको कैसे क्रिएट करना, फिर अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना और याद रखना। तो इसका हम आगे चर्चा करेंगे इसमें अलग से। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट आ गया कंडीशन रिफ्लेक्स का। देखिए कंडीशन रिफ्लेक्सिस का मतलब है क्या, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए इसको दिया किसने, इवियान पेवलो ने, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम इवियान पेवलो, 1849 टू 1936 तक ये रहे थे इवियान पेवलो। इवान पेवलो, इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्स का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसमें इन्होंने दो सिद्धांत दिए, एक होता है क्लासिकल एंड ऑपरेंट। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो साइकोलॉजी है उसकी दो कंडीशन होती हैं, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए आपको मैं इतना पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको मैं वैसे ही समझा दूंगा क्या है ये। देखिए तो फ्रेंड्स कंडीशन रिफ्लेक्स का आपको मैं बताता हूँ। देखिए दो पार्ट बताए इसके इवान पेवलो ने, क्लासिकल और ऑपरेंट। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लिखा गया है कंडीशनिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी इज़ ए थ्योरी दैट द रिएक्शन टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग, इट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग।
और आयरन ऑर्डर ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें है क्या कि यानी कि कंडीशन क्या होता है कि हमें हर कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते ही हम, हमारे दिमाग को पता नहीं चलता पर हम फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, हम हर एक कंडीशन में कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसमें ये बताया गया है, इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड ट्रू साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लर्निंग, मेनली बिकॉज इट प्रोवाइड ए मॉडल दैट कुड बी वेरीफाइड टेस्ट एंड एक्सप्लोर इन सेवरल वे यूजिंग द मेथोलॉजी डिवेल फॉर। इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विच हैज़ बीन ट्रेंड और लर्न। जैसे इसमें कहा गया है कि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। देखिए सबसे पहले ये है कि जब हम कुछ ना कुछ सीखते हैं हमें पता नहीं चलता, हम सीखते रहते हैं, उसके बाद हम खुद ब खुद रिस्पॉन्स करते रहते हैं। ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज इन नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, फॉर एग्जाम्पल साल्वेशन ऑफ। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा, आप इसको पॉज करके एक बार लिख लेना, आपको मैं वैसी थ्योरी समझा दूंगा है क्या ये। तो चलिए देखिए, मैंने आपको ये बताया था क्लासिकल थ्योरी और ब्रांड थ्योरी, ये इसी की आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप पॉज करके इसको उतार लो एक बार, मैं आपको ऐसी थ्योरी समझा दूंगा क्या है। पहले बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी की। इसमें ये बताया गया है कि हम कंडीशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सीखते हैं, है ना, हमें पता नहीं चलता फिर भी हम सीखते रहते हैं। इसमें क्या गया है, पैवलो ने एक हमें एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे नीचे लिखा है ना, या जैसे यहाँ पे ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज नेचुरली अकरिंग रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हमने ये बताया गया है क्लासिकल में कि उसने एक ना आज से कुछ साल पहले, जैसे उसने वहाँ पे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्या किया था, उसने एक डॉग जो था, जो कुत्ता था, उसको उसने उसके पैर और हाथ दोनों बांध दिए। हाथ पैर बांधने के बाद फिर उसने क्या किया, उसके सामने उसको जैसे उसको बांध दिया, है ना, बांधने के बाद क्या हुआ, तो उसने एक बेल रखी, जब उसने बेल बजाई, बेल बजाने के बाद फिर उसने उसके सामने खाना रख दिया। अब खाना कुत्ते से दूर था, उससे हुआ क्या, जो कुत्ता था वो खाने को देख रहा था पर वो खा नहीं पा रहा था, उससे क्या हुआ, उसकी लार टपकने लग गई, होता नहीं, लार टपकने लग गई, ठीक है, समझे ना बात को। यानी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर हर कंडीशन में समझते हैं सीखते हैं पर हमें पता नहीं चलता। अब देखिए कि जब पैवलो ने कुत्ते के दोनों हाथ और पैर बांध दिए, खाना उसे थोड़ा दूर रख दिया, है ना, खाना का बात था बैल बजने के बाद, जब खाना दूर रखा, कुत्ता खा नहीं सकता था पर कुत्ते का मन करता था तो उसकी लार टपकने लगती थी। अब अगले दिन भी ऐसे ही किया, उसने कुत्ते के हाथ पैर जैसे बांधे तो फिर उसने बैल बजाई, साथ में फिर खाना आया, तो आ गया कि 3-4 दिन प्रोसेस ऐसे चला। तो अगले दिन क्या होगा, पैवलो ने कुत्ते के हाथ पैर बांध दिए, बांधने के बाद बेल बजाई लेकिन खाना नहीं आया, खाना नहीं आया पर फिर भी कुत्ते की लार टप जो है वो टपकने लगी। अब इससे हुआ क्या, कुत्ते का दिमाग, कुत्ते को ये दिमाग में आया कि जब बेल बजती है ना, तो तभी खाना आता है, तो उसने सोचा कि आज बेल बजी आज खाना आएगा, तो उसकी लार टपकने लगी। अब ये हो गया ना कंडीशन के ऊपर, यानी कि हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। उसने प्रूफ कर दिया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, हमारा माइंड जो है एक जगह सेट हो जाता है ना, तो इससे हमारा माइंड सेट हो जाता है ऐसे। तो हम हर कंडीशन में कोई ना कोई सीखते हैं, हमारा दिमाग अपने आप ही काम करता है हर कंडीशन में, ठीक है। जैसे आपके सामने कोई खाने की चीज़ पड़ी हो, आप वैसे हाथ से उठा के खाओगे, तो आपको पता है ना कि कैसे किस चीज़ को उठाना है, खाना है ना, कोई भी चीज़ उठानी है, तो ऐसे ही बस हम हर कंडीशन में सीख रहे हैं ना। जैसे तो ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ये क्लासिकल थ्योरी मैंने समझा दी, ऑपरेंट थ्योरी क्या है, ऑपरेंट थ्योरी है कि मान के चलिए कि अगर आप कोई अपना, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मान के चलिए कि अगर आप कोई टीवी दे रहे हैं, वहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाए स्क्रीन, स्क्रीन ब्लैंक होने के बाद वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप जल्दी से डिश को रिचार्ज कराओ, या जल्दी से आप इसको सेटअप बॉक्स का ये करवा लीजिए, अपडेट हो रहा है ना, तो आपको वो दिखाया जाता है कि आप इसको कर लो नहीं तो ये सुविधा बंद हो जाएगी। तो होता क्या है कि आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, है ना, जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो बंद ना हो जाए, उसको करने से पहले आप इसको अच्छे से, ठीक है, सही कर लो, तो हो गया ऑपरेंट थ्योरी। यानी कि जिस चीज़ के आप आदि हो चुके हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, अगर आपको वो चाहिए तो आपको उसको जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो होता है ऑपरेंट थ्योरी। लर्निंग का स्ट्रेटेजी का मतलब कि पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, है ना, किस हिसाब से होना चाहिए, कि यानी कि जो जो लर्निंग करते हैं, जो लर्नर है वो लर्निंग करते हैं वो कैसे होते हैं। तो
तो आइए इसको जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब शब्द का हेडिंग का मीनिंग जब मतलब समझ लोगे, आपको कुछ भी चिंता नहीं होगी, आप आसानी से कर पाओगे। देखिए, द वर्ड स्ट्रेटजी कम्स फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजिक, यानी कि जो वर्ड है स्ट्रेटजी का वो कहाँ से आया है, वो ग्रीक है, वर्ड है स्ट्रेटजिक। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स स्टेप्स और एक्शन टेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ विनिंग वॉर, यानी कि ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है स्ट्रेटजिक, स्ट्रेटजिक का ग्रीक भाषा में मतलब। देखिए कि लर्निंग स्ट्रेटजी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड के स्ट्रेटजिक में। अब जो स्ट्रेटजिक वर्ड है ग्रीक भाषा में, उसका वहाँ पे क्या मतलब है, जिसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन। ये एक्शन या स्टेप किसके लिए होता है? ये होता है किसी वॉर को जीतने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लर्निंग स्ट्रेटजी का जो वर्ड है वो लिया है ग्रीक भाषा के स्ट्रेटजी से, और इसका मतलब है स्टेप्स या एक्शन, जिसका मतलब है कि किसी वॉर को या जंग को जीतने के लिए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जैसा कि स्ट्रेटजी का मीनिंग है विनिंग वॉर, तो ऐसे ही हम अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। ए स्ट्रेटजी इज़ यूज टू फुलफिल कंडीशन टू मेक लर्निंग ईजियर, फास्टर, मोर एन्जॉयबल, मोर सेल्फ सिचुएशन। देखिए, स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा एक्शन जो हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कि ताकि जो हमारी लर्निंग है वो हम आसानी से कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ, फास्ट कर पाएँ और इसको इन्जॉय करके कर पाएँ। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मान के चलिए कि किसी चीज़ को जैसे करना हो, जैसे आप देखिए कि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनाओगे, है ना। उसमें क्या होगा कि आप लर्निंग को ईजियर करोगे, ईजी करोगे कि आसानी से कैसे पढ़ पाओ, और फास्टर करोगे, फास्ट कैसे पढ़ पाओ, है ना। तो जो जो तरीके होंगे आपका पढ़ने का, जो तरीका होगा, जो आप स्टेप्स लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वो हमारे स्ट्रेटजी में काम आएंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा स्टेप या एक ऐसा एक्शन जिसको हम एक क्यों करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ को जब करते हैं तो उसको हम आसानी से कर पाएँ। तो लर्निंग स्ट्रेटजी आर टेक्निक्स, प्रिंसिपल और रूल्स दैट विल फैसिलिटेट द एक्वेशन मैनिपुलेशन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग एंड रिट्रेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन अक्रॉस सिचुएशन एंड सेटिंग। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो एक ऐसी टेक्निक, ऐसा सिद्धांत है जिसको हम अलग अलग लेवल के ऊपर करते हैं, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। यानी कि जो लर्निंग स्ट्रेटजी है जिससे हम क्या करते हैं, हम एक अपने जो हमारा लक्ष्य है, जो जिस चीज़ को हमने पढ़ना है उसके लिए हम बनाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमने UGC नेट क्लियर करना है तो उसके लिए हम लर्निंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। तो वो बात होगी, मतलब कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे हमें आसानी से हम चीज़ को कर पाए, वो होती है स्ट्रेटजी। सम लर्निंग स्ट्रेटजी यूज टू स्टूडेंट्स फॉर मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग ईजिली एक्सेट्रा। यानी कि कुछ लर्निंग स्ट्रेटजी होती है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए की जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए भी, और अच्छी तरह किसी को पढ़ने के लिए की जाती है। यानी कि कुछ लर्निंग ऐसी होती है जैसे हम किसी को समझाते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, तो दूसरा नंबर अपना खुद का विकास करते हैं, और साथ में किसी चीज़ को अगर आसानी से पढ़ना हो तो उसको हम करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए आप UGC नेट के, आपको एग्जांपल दूंगा, आपके सामने बुक रखी होती है, अगर आप उसमें से कोई चैप्टर पढ़ते हो आपको आसानी से नहीं पढ़ पाते, तो आप उसी चैप्टर की वीडियो देख लेते हो तो आपको वो चैप्टर आसानी से हो जाता है, है ना। तो वो क्या हो गया, वो लर्निंग ईजिली हो गया ना, आपने क्या किया, स्ट्रेटजी बना ली ना, कि आपने बुक भी रखा साथ में वीडियो भी देखी, वो आपकी स्ट्रेटजी बन गई। आपने इसको देखा कि मैं किस चीज़ को करूँगा, मैं कैसे कैसे करूँगा, वो आपकी होगी स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम आपको यूनिट वाइज यूनिट करके हम आपको अप्रैल तक ख़त्म करवा देंगे, वो हमारी स्ट्रेटजी होगी, है ना। किसी काम को करने का तरीका स्ट्रेटजी कहलाता है। तो इसके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं जो लर्नर सक्सेस में असर पाते हैं। लिखा है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्नर्स सक्सेस। यानी कि जो लर्नर है किसी काम में, उसको सक्सेस पानी है, सफलता हासिल करनी है, तो उसके आंतरिक और बाहरी यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर भी उस पर प्रभाव डालते हैं। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, कॉग्निटिव होता है ज्ञानात्मक, यानी कि दिमाग से संबंधित। इट कंसल्टिंग विद द टीचर ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन एंड देन रिवाइजिंग इट एट होम सेट फोर्थ कैटेगरी। देखिए ये क्या है, ये टीचर से, देखिए सबसे पहली बात है कि मेटाकॉग्निटिव क्या है, कि किसी बच्चे को अगर हमें क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है हर एक चीज़ को, है ना। क्लास में कोई चीज़ टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे उसको समझ रहे हैं। अब लर्नर क्या हो गया, उसको समझ रहा है कि टीचर क्या कह रहा है ना। यानी कि जो क्लास में टीचर करवा रहा है, जो चीज़ बता रहा है, वही काम वो
रिवाइज करने के लिए होमवर्क भी देता है घर से करने के लिए, है ना। क्यों देता है? कि ताकि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चे को अच्छे से समझ पाए, है ना। यानी कि अगर आपको मैं जो लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, आप एक बार फिर से नोट्स बना के फिर वीडियो को करोगे अपने होम पे, तो आपका ये रिवाइजिंग होगी ना, ये क्या हो गया आपका, ये मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी होगी। इसके लिए चार कैटेगरी हैं। पहली बात है कि प्लानिंग फॉर लर्निंग, यानी कि जो आपने लर्निंग करनी है, जिसको पढ़ना है, उसकी प्लानिंग करोगे आपको क्या पढ़ना है। थिंकिंग अबाउट लर्निंग एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव, यानी कि जो आपने पढ़ना है उसके बारे में सोचोगे, और साथ में इसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, यानी कि जो आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि सिंपल से मान के चले आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, आपकी थिंकिंग होनी है, आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, आप इसको इफेक्टिव कैसे बनाओगे, यानी कि आप इसको याद कैसे रख पाओगे, वो हो गया इफेक्टिव। यानी कि पढ़ी हुई चीज़ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए ताकि हमें वो याद रहे। तो थर्ड पार्ट इसका आ गया सेल्फ मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग, आप ये देखिए कि आपको लर्निंग के समय कितना याद हो चुका है, वो होता है सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप को जांचना कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। एवेल्युएटिंग ऑफ हाउ सक्सेसफुल लर्निंग हैज़ बीन आफ्टर वर्किंग ऑन लैंग्वेज इन सम वे, यानी कि आप मूल्यांकन करके एवेल्युएट करके देखिए कि आपने कितनी सफलता हासिल की है पढ़ने में, यानी कि आपने जो पढ़ा है आपको वाकई कुछ आया कि नहीं, है ना। यानी कि जिस लैंग्वेज में आपने हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा है, ये किस में पढ़ा है, आपको किस में अच्छा लग रहा है, ठीक है। यानी कि आप इंग्लिश में पढ़ के आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, हिंदी पढ़ के आ रहा है, आपको किस में समझ आ रहा है, आप इवेल्यूएट करके देखो। तो नेक्स्ट आ गया सेकेंड पार्ट इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। दी स्ट्रेटजी इनेबल द लर्नर टू यूज़ हिज मेंटल एबिलिटी इन एक्शन बिहेवियर स्टेप्स और टेक्निक सच एज सीकिंग आउट कन्वर्सेशन पैटर्न। देखिए पहली बात जो हमने ऊपर की थी उसके बाद ये आती है कि अगर हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, लर्नर क्या करता है कि अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे रखता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आपने लर्नर ने कोई चीज़ पढ़ता है तो उसमें वो अपनी मेंटल एबिलिटी को, यानी कि अपने दिमाग को रखता है, एक्शन में लाता है, उसको ध्यान में रखता है कि कोई स्टेप्स या टेक्निक अपनाते हैं कि उसको कैसे याद रखा जाए। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में ये हो गया कि हम जब लर्नर या कोई चीज़ जो पढ़ता है तो अपने वो दिमाग का इस्तेमाल उसमें कैसे करता है। यानी कि मान के चलिए अगर आप कोई मैथ का सवाल कर रहे हैं, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो उसको आप शॉर्टकट ट्रिक अपना लोगे, है ना। यानी कि इसमें दिमाग यूज़ करना पड़ता है लर्नर को अपना, कि ताकि वो चीज़ को अच्छे से पैटर्न बना पाए। गोइंग वन सेल्फ इनकरेजमेंट टू टैकल ए डिफिकल्ट लैंग्वेज टास्क यूज बाय स्टूडेंट टू एनहेंस लर्निंग। यानी कि देखिए कि अगर कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है, जैसे जो लर्नर है उसको पढ़ने में लर्निंग में दिक्कत आ रही है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, तो उसको वो आसानी से बना लेगा, है ना, अपनी भाषा में समझ लेगा इसका क्या मीनिंग है, ताकि उसको समझ में आ पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डिवेल्प एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग क्विकर एंड मोर इफेक्टिव। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है उसकी हेल्प करते स्किल टीचर, यानी कि जो स्किल टीचर है जिसमें बहुत अच्छे जो टीचर हैं, इनको काफ़ी अनुभव है हर एक चीज़ का, जो स्किल टीचर है वो लर्नर की या स्टूडेंट की हेल्प करते हैं पढ़ने के लिए लर्निंग में, कि ताकि वो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ पाए और बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। अगर आपके सामने कोई स्टेप रख दिया जाए या कोई सवाल दे दिया जाए, अगर आपको उसका आंसर नहीं आए, आपको जो स्किल टीचर है वो आपको अच्छे से वो पढ़ा देगा, आपको ट्रिक्स बता देगा, आपको वो चीज़ जो मुश्किल चीज़ है वो आपको आसानी से हो पाएगी। तो हो गया ना ऐसे, यानी कि चीज़ तो वही है, बस समझाने का और पढ़ने का तरीका अलग हो गया। तो ये कौन है, ये करता है स्किल टीचर। यानी कि स्किल टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट या लर्नर की हेल्प करते हैं ताकि वो चीज़ को अच्छे से आसानी से कर पाए। स्किल टीचर हेल्प देयर स्टूडेंट टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी। यानी कि स्किल टीचर है वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं ताकि वो अवेयर हो पाए। तो इसको इन्होंने 6 कैटेगरी में बांटा है। पहले है क्लैरिफिकेशन, इट इज़ यूज टू द टेस्ट वेदर द रूल और द कंसेप्ट यूज बाय स्टूडेंट इज करेक्ट और नॉट। यानी कि क्लैरिफिकेशन, इसमें लर्नर को क्लैरिफिकेशन करनी पड़ती है कि जो उसने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जो समझा है स्टूडेंट ने, जो पढ़ा है वो उसको आता है कि नहीं, इसमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस को कहते हैं परिकल्पना, इट इज़ द वे लर्नर मेक हाइपोथीसिस अबाउट द फॉर्म ऑफ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज हाउ इट्स वर्क। लर्नर अपने दिमाग में एक परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथीसिस बनाते हैं कि जो उसने पढ़ा है उसका एक्चुअली मीनिंग में क्या है, वह कैसे वर्क करता है। यानी कि मान के चलिए कि आपने कोई इंग्लिश में वर्ड पढ़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आपको उसका वर्ड का मीनिंग पता चल गया, है ना, वो परिकल्पना होगी ना। यानी कि आप इंग्लिश में कोई चीज़ देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ते हो तो पढ़ते आप इंग्लिश में हो, आपको मतलब उसका हिंदी में समझ आता है,
तो वो क्या होगा, हाइपोथेसिस हो गया ना, आपको पढ़ने में हो गया कि हाँ मैंने ये खबर पढ़ी है या मैंने ये चीज़ पढ़ी है, मेरे को ये इसका ये मीनिंग है, वो क्या होगा, वो हाइपोथेसिस हो गई। यानी कि आप डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ रहे हो पर अपनी लैंग्वेज में उसका इस्तेमाल कर रहे हो मीनिंग में, तो वो होगी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ गया डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए कि इट इज़ यूज बाय द लर्नर इन ऑर्डर टू लुक फॉर द जनरल रूल्स और लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड इट। डिडक्टिव लर्निंग रीजनिंग का यूज़ होता है किसमें, ये यूज़ करता है लर्नर, क्यों यूज़ करता है कि ताकि किसी चीज़ की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके, उसके नियमों को समझा जा सके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। इट इज़ द वे दैट लर्नर यूज इन ऑर्डर टू स्टिक एंड रिटीव द लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल रिहर्सल एंड इमिटेशन। देखिए प्रैक्टिस में होता है, सिंपल सी कहावत है विलियम शेक्सपियर की, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ आसानी से आ जाती है। यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको अगले दिन वो भूल जाएगा। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको रिहर्सल करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको वो चीज़ कर पाओगे। अगर आपको कोई लैंग्वेज मुश्किल लगती है, आप डे बाय डे उसको करते जाइए, आपको वो आसान लगने लगेगी। मेमोराइजेशन, इट इज़ लिंक टू द स्टोरेज एंड रिटाइवल। देखो सिंपल सी बात है, आपने कोई मेमोराइजेशन में क्या है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है आप में, आपके दिमाग में वो चीज़ कितनी स्टोर हो चुकी है, यानी कि जो आपने पढ़ा है आपको कितना उसको आता है, वो होती है मेमोराइजेशन। पढ़े हुए को अपने दिमाग में स्टोर करना या समझना या रखना कि आपको कितना आता है वो। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब है कि इट इज़ द लर्नर रिमार्क्स ऑफ हिज मिस्टेक्स एंड द वे ही रिसीव इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज ओन अबिलिटी एंड प्रैक्टिस। देखिए मॉनिटरिंग का मतलब है कि हमने सब कुछ, ये एंड का पार्ट है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ने के बाद हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि हमें एवेल्युएट करके देखते हैं कि हमें, हमने जो टेस्ट दिया, ये मान के चलिए जैसे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करा दिया, आप अभी एग्ज़ाम जो देने गए है ना, आपने एक साल तैयारी की यूजीसी नेट के, आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पे आपकी जाके गलतियाँ हुई हो गई तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप ये मॉनिटरिंग करके देखोगे ना कि आपकी कहाँ पे गलती हुई, आपने दिन तैयारी किए थे, आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई है। यानी कि जब हम तैयारी कर लेते हैं किसी चीज़ की, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो उसको बाद टेस्ट देने के बाद हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उसको ठीक करना। पढ़ी हुई चीज़ को पढ़ने के बाद, टेस्ट देने के बाद जब हमारी गलतियाँ होती हैं हमें इसको ठीक करना पड़ता है, उसके करते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का सिंपल सा ही मतलब है कि हमें कितनी चीज़ कैसी आ चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। देखिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, दी स्ट्रेटजी आर यूजफुल व्हेन द लर्नर फेस ए डिफिकल्टी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन एंड ही यूजेस जेस्टर और रिप्रेजेंट इन ऑर्डर टू मेंटेन इट। दे एनेबल द लर्नर टू डिवेल्प देयर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, यानी कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी चीज़ को स्ट्रेटजी बना रहे हो, है ना। सिंपल सी बात है कि लर्नर या स्टूडेंट जो कुछ भी पहली बार पढ़ता है तो उसको डिफ़िकल्टी आती है ना, हमेशा ही डिफ़िकल्टी आती रहती है उसको। अब उसको मेंटेन करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लर्नर कोई चीज़ पढ़ रहा है पर उसको पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, पर दिक्कत ना आए उसके लिए वो क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा, है ना, वो संचार माध्यम करेगा। वो क्या करेगा, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, वो चीज़ को संपर्क में रखेगा। जैसे किसी के टीचर से कुछ पूछ लिया या अपने किसी सहयोगी से पूछ लिया या किसी बुक से रेफरेंस ले लिया। यानी कि मान के चलिए अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, आप किसी से कम्युनिकेट करोगे ना, टीचर से, स्टूडेंट से या किसी से भी करोगे, बुक का रेफरेंस लोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको बस वो दिमाग में रखना है, कम्युनिकेशन रखना है कि ताकि आपको चीज़ आसानी से कर पाएँ। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, यानी कि किसी को आपस में जोड़ के देखना। नेक्स्ट है लर्निंग अप्रोच। इसमें आती है पैडागॉजिकल अप्रोच और एनागॉजिकल अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, लर्निंग अप्रोच और पैडागॉजिकल जो अप्रोच आती है, पैडागॉजिकल और एनागॉजिकल, ये आपको मैं कल के लेक्चर में आसानी से करवाऊंगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, ये आपको आसानी से हो नहीं पाएगा, तो आपको मैं आसानी से इसका लेक्चर बना के दूंगा। तो पैडागॉजिकल जो अप्रोच है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पैडागॉजिकल अप्रोच में आती है पैडागॉजी, पैडागॉजी होती क्या है। एनागॉजिकल अप्रोच में आती है एंड्रागॉजी, एंड्रागॉजी क्या है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करवा दूंगा, इसका हम अलग से लेक्चर करेंगे। तो इसको करने के बाद नेक्स्ट है अदर लर्निंग अप्रोचेस। इसमें है टीचर और स्टूडेंट। टीचर जो लर्न अप्रोच है, ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग। इसमें जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है
इसमें टीचर के माध्यम से, यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं, देखिए दो तरह की पढ़ने दो तरह का पढ़ने का तरीका होता है। एक हम पढ़ते हैं टीचर के द्वारा, वो होती है टीचर सेंटर अप्रोच। जब टीचर किसी लर्नर को पढ़ने के लिए कोई चीज़ देता है तो उसको टीचर के अनुसार चलना पड़ता है। एक होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, जिसमें स्टूडेंट अपनी मर्जी से सब कुछ पढ़ता है, वो होती है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।